सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़चौराहे में विगत रात दो पक्षों में हो रहे विवाद में एक पक्ष के करीब 2 सैकड़ा लोगों द्वारा स्वीपर बस्ती पर हमला कर पत्थरों की बरसात कर दी एवं एक चारपहिया वाहन में आग लगा दी। राड व डंडा लेकर बसोर बस्ती के करीब 2 सैकड़ा लोग मोहल्ले में आतंक फैलाना शुरू कर दिए, जिससे दहशत में आए लोग घरों में कैद हो गए, जिसके बाद उपद्रव हुए, उन्हें पत्थर की बरसात कर दी। वहीं मोहल्ले में बेटा स्वीपर की खड़ी मैजिक वाहन में आग लगा दी और काफी देर तक हंगामा करते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर आंशिक बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया। वहीं इस घटना में दर्जन भर घायल लोगों को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेजा गया। साथ ही दोनों पक्षों में काउंटर का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि उक्त विवाद अवैध शराब की बिक्री को लेकर हुआ था, जिस विवाद ने आज हिंसक रूप धारण कर लिया। प्रस्तुत एक झलकी एवं आमजन से नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रस्तुत एक झलकी एवं आमजन सहित नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद से जानकारी के अंश जमकर हुआ है। दवाएं खड़ी थी रोड किनारे, आग चलती उलती नहीं है, उसी में आग लगा दी थी। दोनों भाई पत्थर मारे हैं और सब लोगों को मारे हैं। कौन थे ये? बसोर बस्ती के बसोर लोग हैं। क्या विवाद? क्या विवाद? सिर्फ दारू की वजह से। परसों दारू बेच रहे थे, उसके लिए बोल दिया था, इसके लिए इतना हंगामा घर के अंदर। परसों से हमारे यहाँ पत्थर चला रहे हैं। क्या क्या घटना हुई है अभी? पत्थर मारे हैं, अंदर घुस के देखिए ना, पूरा तोड़ फोड़ किया, हमारी गाड़ी फोड़ डाले, हमारी गाड़ी जला दिए हैं। कम से कम 100 रहे, कितनी संख्या में आए थे लोग? 100 से ज्यादा थे। ये रोज आते हैं? ये दो परसों से आ रहे हैं, परसों से आ रहे हैं। वैसे तो इनके डेली का यहाँ से नियम है, डेली से इनका नियम है कि यहाँ से आएंगे, दारू पियेंगे। बहन पूरी दारू बहन बेटियों की गाली दिया करती। पुलिस नहीं आती, पुलिस आएगी। परसों दवाई हुई है, सुनिए, परसों लड़ाई हुई है। परसों हम लोग 4 बार फोन किए, उसके बाद 4 पुलिस आई है। मात्र उतने में जब समाप्त हो गए तब 4 पुलिस आई है। हम सीएम हेल्पलाइन में भी फोन किए हैं। आपके द्वारा पहले कभी यहाँ शिकायत की गई है? हाँ, कई बार हम लोग, ये देखिए हमारी रिपोर्ट, ये देखिए सब रिपोर्ट। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन देकर चल छोड़ देती है। क्या है कागज? नाम क्या आपका? हमारा नाम है शशि। कहाँ के रहने वाले? हम यही गुड़चौराहे के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 28। यहीं पे विवाद हुआ, पत्थरबाजी भी, गाड़ी में आग लगा दी गई है, क्या मामला है? आधा पौन घंटा पहले की बात है, ये कंट्रोल रूम में मैसेज चलने लगा कि गुड़ चौराहे पर विवाद हो रहा, झगड़ा हो रहा है। उसमें एसपी साहब का ही पॉइंट चला था और इसी आधार पर मैं भी ऑफिस में था। तत्काल सुनते ही तत्काल मौके पर रवाना हुआ और गाड़ी में आग लगाए थे, कबाड़ की गाड़ी में, उसमें तत्काल मैंने आग बुझवाई और भी जो बदमाश लोग घूम रहे थे इधर उधर मारते पीटते उनको भगाया, मतलब, और फिर धीरे धीरे जो है माहौल शांत हो गया। फिर जो है दारू का विवाद चल रहा है, घर घर में दारू बिक रहा है। हाँ, वो बता रहे हैं, लेकिन अब वो आगे क्या मुकदमा कायम करेंगे, टीआई साहब क्या रिपोर्ट दे रहे हैं लोग, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए? घायल का अभी तो टीआई साहब बताएंगे, जो भी है कितने घायल हुए। तो माना जाए यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, अब वो टीआई साहब बताएंगे कितने लोग रिपोर्ट करने आए। हाँ, तत्काल मौके पुलिस पहुँच गई, और क्या चाहिए बताइए। अब उसे रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट करेंगे हम, पकड़ेंगे जो भी मुलजिम बनेंगे। उनके पक्ष द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि हमने 2 दिन पहले इसकी FIR करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, FIR लिखा हुआ तो कार्रवाई किए होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं किए होंगे।